नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन बेस्ट फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आए हैं एक नए रेसिपी के साथ। तो चलिए चलते हैं चूल्हे के पास, वहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। और वीडियो हमारे पर लास्ट तक देखें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो चलिए चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें आज हम बनाएंगे क्या। आज हम बनाने वाले हैं गेहूँ के आटे से सॉफ्ट और फ्लफी ब्रेड रोटी, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। तो ब्रेड रोटी बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है 400 ग्राम, और आटे को हमने बहुत ही अच्छे से छान लिया है। और गेहूं के आटे की जगह आप जो है मैदा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने 1.5 पाव दही लिया हुआ है, रिफाइन ऑयल है, धनिया की पत्ती को हमने धोकर बारीक काट लिया है, यहाँ पर हमने नमक लिया हुआ है, और यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, और यहाँ पर हमने अमूल बटर लिया हुआ है, यहाँ पर हमने स्टीम का भगोना लिया हुआ है। तो इसमें हम डाल देंगे 1.5 पाव दही। दही में हम डाल देंगे गेहूं का आटा जो हमने लिया हुआ था, तो 1.5 पाव दही है। तो आटे को हमने दही में डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर 2 चम्मच, डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम एक में मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो पानी हम डालेंगे, नहीं तो हम नहीं डालेंगे। तो अभी थोड़ा टाइट है तो इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डालकर इसे हम अच्छे से गूंथकर तैयार करेंगे। तो आटे को हमने गूंथ लिया है, ऊपर से हम थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लेंगे और आटे के ऊपर हम लगाएंगे, और इसे हम इस तरह से मैश कर देंगे। तो रिफाइंड ऑयल को हमने आटे में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इसे हम 10 मिनट के लिए कटोरी में रखकर अब इसे हम ढक देंगे। तो 10 मिनट हो गया है, अब आटा हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तब कटोरी में से हम निकाल लेंगे ट्रे पे। तो यहाँ पे हमें ट्रे रखा हुआ है। तो आटे को हम चाकू से काट लेंगे, सभी लोइयों को अलग कर लेंगे। तो सूखा आटा हम हल्का सा छिड़केंगे। तो आटे की अब हम लोई बनाएंगे। लोई को हम ट्रे में रख देंगे। तो इसी तरह हमें साइल लोइयों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो लोई को हम एक पन्नी में डालकर रखेंगे ताकि इसमें बाहरी हवा न लगे। आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है, तवे को हम रख देंगे चूल्हे पर। तो अब हम गेहूं का आटे का ब्रेड रोटी बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने चौका लिया हुआ है, चौके पर हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिए हैं। चकाई को रखकर इसे हम बेलकर तैयार करेंगे। इधर तवा हमारा गरम हो गया है, रोटी को हम डाल देंगे तवे पर। तो रोटी हमारा फूलना शुरू हो गया है, इसे हम पलट देंगे दूसरी तरफ। तो आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा जो है रोटी फूल रहा है। तो
अब इसे हम एक थाली में रख लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा जो है रोटी बनकर तैयार हो रही है। अब इसी तरह से हमें चाय रोटियां बनाकर रख लेना है। तो बटर को हम काट कर एक कड़छुल में रख लेंगे। और बटर को हम पिघला लेंगे। तो बटर हमारा पिघल गया है, इसे हम रख लेंगे। सभी रोटियों को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। सभी रोटियों में हम लगाएंगे बटर और ऊपर से हम धनिया की पत्ती को डालते जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह हम दूसरी रोटी में लगाएंगे। तो उसी तरह हम सारी रोटी में लगाकर रख लेंगे। सभी रोटियों में हमने बटर और धनिया की पत्ती लगा दिया है। तो आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा रोटी बना हुआ है। तो आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा रोटी बना हुआ है गेहूं के आटे का। तो आप लोग इस तरीके से अपने घर में बनाइए, खाइए, अपने परिवार को खिलाइए। तो आप सब देख सकते हैं बहुत ही मुलायम, बहुत ही अच्छा हमारा जो है रोटी बना हुआ है गेहूं के आटे का, काफी सॉफ्ट है। तो गेहूं का आटे का रोटी हमारा बनकर तैयार है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।